उम्र 35 के होने को और 18 वाली हरकतें जाने का नाम नहीं ले रही हैं। हस्बैंड को चकमा दे रही हैं तीनों। घर से बोल के आई हूँ कि हम कंपनी में काम करने जा रहे हैं और यहाँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये है इनकी हेड। इतना मजा हुआ मुंह, एक मजी हुई चीज ही चला सकती है। ये वाली समझ रही है मार्केट को और खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है एक्टिंग करने की, बट रियलिटी बाहर आ रही है। और अब बसती है ये, तो देख लो एक अनाड़ी औरत बुरी संगत में आके कैसे बिगड़ती है। कम मत समझना इसे, भोले आदमी अंदर से बहुत टेढ़े निकलते हैं। देखना चाहते हो अकेले में क्या कर सकती है, देखो। सिंदूर लगा के वीडियो बनाना तो एक बहाना है ताकि हस्बैंड भी कब्जे में रहे, वरना इस तरह की हरकतें करने थोड़ी देगा। अब हस्बैंड को सुकून तो होगा कि भागी थोड़ी जा रही है तो घर में ही। अब इसको कौन बताए, तेरा तो चल ठीक है, हम क्या करें इसका। अब आज म्यूट करके सिर्फ एक्सप्रेशन देखो। ऐसा नहीं लग रहा हस्बैंड का कुछ ज्यादा ही बड़ा रहा होगा। अरे रिश्ता यार। हाँ, वैसे तुमसे तो बड़ा ही रहा होगा। एक मिनट। अरे नापना नहीं है यार, अब नाप ही लिया है तो भैया दिखाई दो कितने इंच का है। ढाई? ढाई नहीं, डेढ़ भैया। आपको नहीं पता कितनी सातरे बन रही हैं औरतें, 10 सेकंड की वीडियो में हुल्ला मचा के चली गई। अब इस वीडियो को देख के चचा हमारे पगला गए, इसका कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी बेचारा परदेश में रहकर वी बच्चों के लिए कमा रहा है, शाम को कमरे पे आ रहा है और जैसे ही मोबाइल चला रहा है ये सब देख रहा है। अब बताओ, फैमिली तो दूर है तो दीवारों से ना लिपटे तो क्या करे? चाचा मैं करूंगा तुम्हारी हवस दूर, घबराओ मत। 18 साल का लड़का बूढ़ा हो चुका है और बूढ़े आदमी पर जवानी छा रही है। आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी आप जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैंने कभी देखा ही नहीं। मोहतरमा नहीं, चाचा का शिलाजीत बोल रहा है जो सुबह शाम गर्म पानी से फंकियां मार रहा है। अरे भोसड़ी के, अब तो शांत हो जा, बुढ़ा अभी भी जोश में है बहनचोद। अबे साले बैगन। देखो आदमी जी रहा गलत फहमी में, पिछले कई हजार सालों से इसका ये बहम नहीं टूट रहा है कि ये नारी जाति से ज्यादा ताकतवर है, जबकि नारियां हमें समय समय पे हमारी औकात दिखाती रहती हैं। अभी जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ लौंडे सख्त वीडियो की खूब रील अपलोड कर रहे हैं, फिर इनने कहा अच्छा ज्यादा ही सख्त बन रहे हो, लो रोको झपट को। बार ऐसा करती है कि बार में जितने भी सख्त समाज के लौंडे होते हैं ना, सफेद खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। यह हो जाता है नारियों को परपत पूरा, एक सैलून चलाने वाला लौंडा इस तरह से बौखला उठता है। वो नारी जिसको कमजोर समझता था उसकी एक आह से इसकी जिंदगी यहाँ आ चुकी है। वो लौंडा जो कमरे पे सख्त वाली दो चार रील डाल के बहुत चौड़े आ रहा था और ये भ्रम में था कि मैं तो सख्त ये वो फलाना ढिंक, वो कमरे पे पढ़ाई करने के बजाय ये सब कर रहा है। सिर्फ ये रील देखी थी और फील करके सो गया। बहन चो तीन नेकर खराब करे हैं, सुबह 9 बजे कॉलेज जाना है, बताओ इसके सिवा और कोई ऑप्शन है तुम्हारी नजर में? जिंदगी उस मोड़ पे आ गई है लौंडों की, भाई साहब की जवानी में बूढ़े लगने लगे हैं, लड़कियां बोघास नहीं डाल रही हैं और कई बार कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर दो तो कमजोरी इतनी हो गई कि साले कपड़े फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जो बंदा इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, एक हस्बैंड बन के बीबी के लिए जी रहा है, एक बेटा बन के बाप के ताने सह रहा है और एक भाई बन के बहन की खुशियों के लिए परदेश में रह रहा है, अब उसी बंदे को इंटेंशन ना मिले तो बंदा ये तो करेगा ही। कुछ समझे दया? जहाँ एक लड़का अपना करियर मेहनत मजदूरी करके बनाने में लगा है, वही औरतें ऐसे।
जब बाल काट के चेहरे पे फिल्टर मार के इशारे से झुक के जब 12 सेकंड की वीडियो फुल काम कर दे रही है तो काम कौन करेगा। मेरे कुछ मित्र प्रदेश में काम करते हैं, वो पूरे दिन थकने के बाद शाम को रूम पे पहुंच के मेरे को ये रील भेजते हैं। और कहते हैं यार भाभी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी भोसड़े के फिल्टर है वो। जिसका हस्बैंड उसको लात मार के खटिया से नीचे गिरा दे, उन चिमकांडियों तक को इस इंस्टाग्राम ने इतना घमंड दे दिया कि ऐसी रील बना रही है। भांजी हमारे भोसड़े के इतने अपसे हो गए, उन्हें इंस्टा पे कैसी भी लड़की फिल्टर लगा के कमर हिलाती मिल जाए उनकी लंगोटी में सांप हिलने लगता है। अब इसमें देखो मादर चूत इसको देख के हिला दिए। मैंने पूछा उससे, चूतिया क्या देखा इसमें, कुछ तो देख लेता, चिमकांडी सी शकल है। तो कह रहा है पोज। नहीं सच में भांजे हमारे इतने लंगोट के ढीले हो गए किसी भी चीज पे मर जा रहे हैं। अभी इसमें देख के कह रहे हैं मामा यार लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है। भांजे हमारे फिर भी ठीक हैं, गला रहे हैं तो सिर्फ अपनी हड्डियां, मिटा रहे हैं तो सिर्फ अपनी रेखाएं। मैं भयभीत दूसरे लौंडे से हूँ जिनकी प्रजाति दिन पर दिन बढ़ रही है। मुझे तो ये डर है आने वाले टाइम में इन्हीं से शादी ना करनी पड़े, क्योंकि बच्चे तो आदमी कैसे भी कर ले रहा है, गोद ले ले रहा है और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन इस आदमी का भरोसा नहीं है, इसका दिल अगर इस पे आ गया तो भाई ये शादी कर लेगा। और कमी बताओ ना क्या इसमें। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। नहीं एक दौर था हमारी प्रजाति में लड़कियों के सिम्टम्स आए थे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को डांस करने लगे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, इससे पहले वाली पीढ़ी भी हमने खंगाली। उसमें हमने देखा कुछ मर्द ऐसे पाए गए जिन्हें औरतें बनने का बहुत शौक था, लेकिन वो गलती से मर्द बन गए थे। उसपे के चचा मराई, उसकी भी कोई धीत नहीं है। फिर भी मैं चाचा का शुक्र गुजार हूँ कि औरतों वाले सिम्टम्स को रोजगार में कन्वर्ट कर लिया। डर मुझे आज की जनरेशन का है, आज ये रोजगार करने के लिए क्या कर रहे हैं। एक रील वायरल करने के लिए इज्जत उतारनी पड़ेगी, ये नहीं सोचा था। बार को लौंडा आस्की में हो तो मान सकता हूँ कि चलो मास्टर को ऐसा हो गया है, पीटी वाले सर इंग्लिश वाली मैडम के चक्कर में पड़े, उनको इम्प्रेस करने में जुटे हैं, ये तो समझ आता है। मगर यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, आदमी जो है ना पहुंच का औरत के अधीन, कुंवारा लौंडा किसी न किसी पापा की परी का गुलाम है या फिर गुलाम बनने को तैयार है, और शादीशुदा बीबी का। और बचा ये, तो ये आया है प्रदेश में काम करने, बीबी का खौफ तो है नहीं, इसीलिए नागमणि ढूंढ रहा है। वरना बीबी के पल्लू से बंधा हुआ पति या तो बीबी के लिए बाजार करता मिलेगा या मिलेगा ऐसे। चाचा यार जोरू का गुलाम होना ठीक है मगर इतना। अरे रुक जा के नागमणि ले। और चाची तुम, माना कि चाचा को बस में कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम उसको कुछ भी पहना दोगी। चाची यार तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और तुम सोच रहे हो इतने दिनों में क्यों वीडियो लेके आया, तो भाई तबीयत ऐसी चल रही थी और आगे से बहुत ही कंटिन्यू रहूंगा, तो आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और शेयर कर दो ठीक है, और कमेंट करके बताना कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।